दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं चिमनी की मोटर है, इसको हमने यहाँ पे रिवाइंड कर दिया है। और इसको रिवाइंड किस तरीके से करते हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और बाकी मैंने चिमनी की मोटर की वाइंडिंग की जो वीडियो है वो भी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइंडिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह दिखती है। और अब हम इसमें यहाँ पर इसकी जो डाटा है उसकी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ डाटा निकला हुआ है, ये हमारी नीचे वाला स्टार्टिंग है, ऊपर वाली रनिंग है, और जो यहाँ पे SWG जो गेज लगा हुआ है वो रनिंग पर लगा हुआ है 34 नंबर, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग लगा हुआ है वो है 35 नंबर। अगर हम वेट की बात करें तो 35 नंबर 105 ग्राम और जो 34 नंबर है वो 115 ग्राम यहाँ पर लगा हुआ है। और जो इसकी वाइंडिंग होती है वो किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो होता क्या है, इसमें जो खांचे होते हैं सपोज करो इस तरीके से होंगे, ये हमारा ये खांचे हैं समझो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम इसको ये वाले खांचे समझेंगे, देख सकते हैं ये वाले हैं जो, ये तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, ये बीच वाला हमारा एक बड़ा चौड़ा वाला ये खाली है, ये वाला हमारा खाली है, ये तो जब हम इसको कॉयल डालते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हम जब कॉयल डालते हैं इसको मैं और बढ़ा लेता हूँ ताकि मेरा एकदम सही तरीके से यहाँ पे दिखे। तो मैं एक को यहाँ पे समझा देता हूँ, देख सकते हैं हम जब कॉयल को डालना शुरू करते हैं, जब हम कॉयल बनाते हैं तो फर्मे में कुछ इस तरीके से कॉयल बनाते हैं, ये एक और यहीं से घूम के निकलती है दूसरी, ये इस तरीके से यहाँ पे ये इसके दो छोर निकलते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में दिखाऊं तो ये इस तरीके से होती है और इसी के ठीक ऊपर होती है यहाँ पर, ये देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं एक ये है बाहर वाला है बड़ा वाला, ये यहाँ से देख सकते हैं बड़ा वाला घूम रहा है, और एक देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा वाला घूम रहा है ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जब मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ पे भी देखना, तो दो का हम बीच में गैप रखते हैं, तो मैं देख सकता हूँ ये पहला है ये दूसरा है, इन दोनों को देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में ये दो छोड़े हुए हैं, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं इन दोनों को हमने छोड़ा हुआ है, और बाकी ये और ये हमारी पहली डली हुई है। तो यहाँ पर हम ये पहला वाला घुमाएंगे ऐसे, ये हमने पहला वाला घुमा रखा है और दूसरा वाला घुमा रखा है हमने कुछ ऐसे यहाँ पे, ये इस तरीके से, इस तरीके से इसकी यहाँ पे ये वाइंडिंग होती है। और जब हम इसमें से भी दो तार निकलेंगी हमारी यहाँ पे, सपोज करो इसमें से भी दो तारें निकली और इसमें से बड़े वाले से भी दो तार निकली, तो इन दोनों की दो तारों को हम यहाँ पर ये एक साथ अटैच कर देते हैं और एक तार ये निकलती है एक तार ये निकलती है, जो कि हमारी यहाँ पर इस तरीके से निकली है। ये सपोज करो ये हमारा बाहर को निकलने वाला था और ये भी हमारा बाहर को निकलने वाला था, लेकिन हमने इन दोनों को आपस में अटैच करके इस तरीके से कॉयल बनती है। तो यहाँ पे इसका जो डाटा है वो यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरीके का यहाँ पे ये डाटा है जो सारा मैंने आपको दे दिया है। टर्नों की बात करेंगे तो जो रनिंग टर्नें हमारी पहली डलती हैं, ये जो बाहर साइड में कॉयलें डली हुई है इसको हम रनिंग कहते हैं, चार डलती हैं, दो सामने आमने सामने, तो ये रनिंग है। जो पहली वाली छोटी वाली कॉयल होती है ये यहाँ से ये वाली, ये छोटी वाली कॉयल है उसमें 126 टर्ने हैं, और जो बड़ी वाली कॉयल है उसमें हमारे 260 टर्ने हैं। और इसी तरीके से अगर हम स्टार्टिंग की बात करें अंदर वाले की, तो छोटी वाली जो कॉयल डली हुई है हमारी 170 टर्ने हैं, और जो बड़ी वाली कॉयल जो डली हुई है उसमें 315 टर्ने हैं। तो इस तरीके से हमारी रनिंग और स्टार्टिंग यहाँ पर रेडी हो जाती है। और यहाँ पे ये ब्लैक और रेड हमारी रनिंग है और ये हमारी स्टार्टिंग है। अगर इसकी भी पूरी कनेक्शन की वीडियो समझनी है तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपके लिए फुल कनेक्शन की वीडियो भी यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब मैं इसको फिट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये रहा मेरा इसके अपर पार्ट, तो यहाँ पे हम बैरिंग को भी घुमा के देख लेंगे, तो मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे बैरिंग हार्ड है।
तो इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे और इसकी जो फिनिशिंग है यहाँ पे हमारा ये सही से लगभग इसका इक्वल होना आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी स्मूथ हमारी यहाँ पे ये घूम रही है। अब हम इसको फिट करके चेक करते हैं। जैसे कि हमारी ये दोनों हमारी रनिंग थी, तो ये दोनों रनिंग थी, तो ये दोनों स्टार्टिंग थी, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे और बाकी अब हम यहाँ पे से इन दोनों को यहाँ पे से चला करके भी देख लेते हैं। देख सकते हैं हमारी सही से चल रही है और यहाँ पे करंट भी नहीं है। अब हम इसको चिमनी में फिट करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने इसकी मोटर यहाँ पे तीन स्क्रूज में यहाँ पे हमने इसको फिट कर दिया है। अब हम इसका यहाँ पे ये फ़ैन को फिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास फ़ैन है। ये हमारा फ़ैन हो चुका है फिट। अब हम इसके करेंगे कनेक्शन, उसके बाद हम देखेंगे। अब हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं और मैं इसको चलाऊंगा इस टाइम पर डायरेक्ट में। मोटर को सुलटा और उल्टा मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं हमारा ये नहीं खुल रहा है, तो मैं यहीं से इसको चेंज करूँगा। पे देख सकते हैं हमारा ये खुल चुका है, ये वाला शायद खुला होगा, उसको हम चेक कर लेंगे। ये खुल चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हो चुका है। अब हम इसमें जो पीसीबी है इसके कनेक्शन हम इसमें करेंगे और उसके बाद हम इसको पूरा पैक कर देंगे।